लालू अखिलेश के खिलाफ बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने उतारा अपना ब्रह्मास्त्र। आखिर यादव वोट से बीजेपी कांग्रेस को होगा कितना फायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम चुनावी संग्राम पर। और इस खास प्रोग्राम पर बात करेंगे बिहार की राजनीति पर, जहां बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर लगातार अलग अलग पार्टियों के द्वारा और अलग अलग नेताओं के द्वारा बिहार उत्तर प्रदेश के नेताओं पर हमले बोले जा रहे हैं। तो वहीं बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत अभी जातिगत रूप से उभरने का नाम नहीं ले रही, और इनकी जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, जिनका पूरा काम है, वो अभी भी जाति समुदाय के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि दोनों ही राज्यों पर ओबीसी समुदाय अभी तक भारी है और ओबीसी पॉलिटिक्स लगातार हावी होती हुई भी नजर आ रही है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे यहाँ पर बिहार की बात कर लीजिए, इन दोनों ही राज्यों पर अभी भी जातिगत पॉलिटिक्स भारी है, और जातिगत पॉलिटिक्स के चलते ही यहाँ पर वोट की गिनती करना जो है अलग अलग पार्टियों के लिए मुश्किल है। बता दें कि यहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो ओबीसी समुदाय का वोट समेटना चाहते हैं, ममता यहाँ पर जो है मायावती को शामिल करना चाहते हैं ताकि वो जो दलित वोट है उसको बटोर सके। बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार भी यहाँ पर ओबीसी वोट बैंक को साधना चाहते हैं। और कुछ वक्त पहले इंडिया गठबंधन के ही एक नेता यानी कि राहुल गांधी ने ओबीसी जो है को लेकर कई प्रतिक्रिया दी थी, और उनका मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ओबीसी का जो आंकड़ा है और अन्य जातियों का जो आंकड़ा है वो निकल कर आना चाहिए, और बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत भी की गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अगर जातिगत जनगणना के चलते यहाँ पर वोट बटोरना चाहती है, और वाकई में देखने को भी मिल रहा है लगातार जो ये जातिगत जनगणना की बातें हैं या जो जो है यहाँ पर जाति के इर्द गिर्द जो सियासत चल रही है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बता दें कि दोनों ही राज्यों में ओबीसी पॉलिटिक्स अभी भी भारी है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी यादव समुदाय की है। यादव वोटर्स बिहार में और आरजेडी और यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। बीजेपी दोनों ही राज्यों में यादव को वोटों को साधने पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और ना सिर्फ यहाँ पर अखिलेश यादव, बल्कि बीजेपी भी यादव वोट बैंक के पूरी तरह से पीछे पड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार पे एक बड़ा समुदाय, एक बड़ा वोट बैंक यादव का है, और यादव वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और जितनी अन्य पार्टियाँ हैं सभी यहाँ पर सारे हथकंडे अपना रही हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर मध्य प्रदेश में यादव को उतारा, यानी कि मोहन यादव की सरकार बनवाई, और मोहन यादव के द्वारा ये कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक समेटना चाहते हैं। और एक बड़ा वोट बैंक जो आता है वो है ब्राह्मण वोट बैंक, और ब्राह्मण वोट बैंक के लिए इन्होंने राजस्थान पर कहीं ना कहीं अपने नेताओं को उतार ही रखा है। बात करें अगर यहाँ पर हम मुख्यमंत्री की, तो उन्होंने भजन लाल शर्मा को यहाँ पर राजस्थान पर उतारा, और राजस्थान पर वो एक ब्राह्मण को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और ब्राह्मण वोट को भी यहाँ पर उठाने का पूरा कार्य कर रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण दुरुस्त करने पर जुट गई है। बीजेपी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव और यूपी में अखिलेश यादव को कोर वोट बैंक में सेधमारी के लिए खासा प्लान बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर जो है मोहन यादव को आजमाने जा रही है। मोहन यादव 18 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार जा रहे हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मोहन यादव पटना में बीजेपी दफ्तर भी जाएंगे, तो श्री कृष्ण चेतना विचार मंच में के कार्यक्रम को भी जो है सम्मानित में वो उनको उनको सम्मान भी किया जाएगा। बीजेपी मोहन यादव को सीएम बनाकर यादव पॉलिटिक्स को साधने के लिए बड़ा सियासी दाव चल दिया है, जिसमें 24 के चुनावी तपसी में 7 कैश कराने का भी कवायद तेज हो गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने के बाद मोहन यादव 18 और 19 जनवरी को बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पटना के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय भी जाएंगे वो, और पटना स्थित इस्कॉन टेम्पल में भी पूजा करने वाले हैं। बीजेपी मोहन यादव को यादव समुदाय के बीच एक बड़ा नेता के रूप पर पेश करने की रणनीति मानी जा रही है। इस कारण कृष्ण चेतना मंच की ओर से पूरे कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है,
और मंच के अध्यक्ष अनिल कुमार को बताया जा रहा है। ये एक गैर राजनीतिक मंच है और इसमें सभी राजनीतिक दलों के यादव समुदाय से जुड़े लोग शामिल होंगे। मंच पर मोहन यादव के अलावा यादव समाज के गैर राजनीतिक लोग भी इस पर शिरकत करने वाले हैं। वहीं बता दें कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासत अभी भी जाति के इर्द गिर्द ही सिमटी हुई है। दोनों ही राज्यों में ओबीसी पॉलिटिक्स अभी भी हावी है, जिसमें सबसे बड़ी आबादी यादव समुदाय की है। यादव वोटर्स बिहार में आरजेडी और यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माना जा रहा है। बीजेपी दोनों ही राज्यों में यादव वोटों को साधने पर फोकस कर रही है, लेकिन उसमें अभी तक बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी। वहीं बीजेपी मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में यादव वोटों पर अपनी पकड़ बना चुकी है और अपनी उसी कोशिश पर बिहार और यूपी में इन दोनों ही राज्यों पर यादव को बीजेपी अपने खेमे से जोड़ लेती है। उसके लिए एक बड़ी जीत भी हो सकती है अगर यहाँ पर वो दोनों ही खेमे जुड़ते हैं तो। यही वजह है कि बीजेपी ने मोहन यादव का ट्रंप कार्ड चल दिया है और इसका फायदा 24 के चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं उठाना चाहती है। वहीं बिहार में 24% यादव तो यूपी में 10% के करीब यादव वोटर्स हैं। इसमें साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यादव वोटर सियासी तौर पर बहुत ही निर्णायक भूमिका में। बिहार में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है तो यूपी में जाटव समुदाय के बाद यादव हैं। दोनों ही राज्यों में यादव वोटर्स विपक्षी दल के वोट बैंक है और यूपी में सपा को तो बिहार से आरजेडी का है। ऐसे में मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं तो जल्द ही यूपी में भी उनके दौरे के आयोजन को देखा जा सकता है। बीजेपी फ्रंट फुट पर खुलकर खेलने के बजाय बैकडोर से यादव वोट को साधने की रणनीति बनाई है, जिसका चेहरा मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। अगर मोहन यादव को थोड़ी सी भी कामयाबी मिलती है तो बीजेपी यूपी और बिहार का बड़ा सियासी दाव खेलने में कामयाब हो जाएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, यहाँ पर अखिलेश यादव की जो है अपनी पार्टी हो, या फिर मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, ये सारी ही पार्टियाँ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा वोट बैंक साधना चाहती है, वो है यादव। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ये एक बड़ा वोट बैंक है और इसमें नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव जैसे कई नेता शामिल हैं बिहार की राजनीति पर वोट बटोरने के लिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अखिलेश यादव अपना पूरा दम लगा रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारा वोट बैंक खींचे और इंडिया गठबंधन कर खेमे में जा। वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड तो यहां पर खेल ही दिया है मोहन यादव के चलते, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत पर मोहन यादव एक मुख्यमंत्री के तौर पर उतारे गए और मुख्यमंत्री होते ही वो बिहार के दौरे पर अब लगातार जाने की चर्चाएँ तेज की जा रही कि मोहन यादव बिहार के दौरे पर जा रहे हैं और बिहार के दौरे पर जाकर यादवों को अपनी ओर खींचेंगे और उत्तर प्रदेश में भी उनके दौरे किए जाएंगे और उन दौरों से यहां पर यादव वोट बैंक को फिर से खींचा जाएगा। यानी कि ये दो राज्य हैं जहां से जीत की उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं और जीत की उम्मीदों पर यादव का जो वोट बैंक है वो भी काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है और ऐसी बड़ी संख्या को बीजेपी साधना चाहती है और कांग्रेस भी साधना और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां यहां पर बना रही हैं 24 के चुनाव के लिए कि किसी प्रकार से सारे वोट बैंक को साध कर अपना खेमा तैयार किया जाए और 24 के चुनाव में यहां पर जीत को दर्ज किया जाए। दर्शकों, अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों में से कौन सी पार्टी होगी जो सत्ताधारी पार्टी बनेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां यादव वोट बैंक को खींचना चाहती हैं और जो अन्य जो वोट बैंक है उस पर भी पूरी तरह से निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन खासा तौर पर अब देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का जो वोट बैंक है वो यहाँ पर यादव है और कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक यादव ही है और यादव वोट बैंक पर ही दोनों ही पार्टियों की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं। अब आने वाले समय में दर्शकों क्या कुछ होता हुआ नज़र आएगा वो काफ़ी ज़्यादा देखना दिलचस्प होगा और कौन सी पार्टी वाकई में सत्ताधारी पार्टी बन पाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वादे कर दिए हैं, बीजेपी पार्टी तो वादे कर ही रही और दोनों ही पार्टियाँ यादव वोट बैंक पर नज़र टिका रखी हैं और अलग अलग हथकंडे यहाँ पर जीत के लिए अपनाए जा रहे हैं। दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कि आखिरकार बीजेपी या फिर कांग्रेस कौन होगी 24 की जीत की पार्टी? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट9 न्यूज़ पॉलिटिकल।